वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी। तुलसी माता का आशीर्वाद सदा सर्वदा सभी पे बना रहे। आज तुलसी विवाह के अवसर पर आप सभी सुनिए तुलसी विवाह की कथा। एक परिवार में एक ननद भाभी थी। ननद अभी कुंवारी थी, वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को ये सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वो गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। एक समय आने पर जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसकी दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी, वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही अपनी बहन से मिला हूं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है? बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। तो ये थी तुलसी मैया की एक छोटी सी कथा। अब आप सभी तुलसी विवाह की पौराणिक प्रसिद्ध पावन कथा सुनिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु अपने योग निद्रा से जागते हैं तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता तुलसी और श्री नारायण स्वरूप शालिग्राम भगवान का विवाह करवाया जाता है। ऐसा एक बार नहीं, हर वर्ष करने की परंपरा विकसित है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है तथा हर वर्ष तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह क्यों कराया जाता है, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उनके इस महातेज से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम जालंधर था। जालंधर बड़ा होकर बड़ा ही पराक्रमी राजा बना। जालंधर का विवाह वृंदा नामक कन्या से हुआ। वृंदा काल नेमी की पुत्री थी। असुर कुल की होने के बाद भी वृंदा धर्मपरायण स्त्री थी, साथ ही वह पतिव्रता नारी भी थी। उसके पतिव्रत धर्म की वजह से जालंधर को कोई परास्त नहीं कर पाता था। धीरे धीरे जालंधर अपने विजय के मद में चूर होकर देवताओं को भी परेशान करने लगा। सृष्टि में चारों ओर हाहाकार मच गया। कहते हैं कि जालंधर ने एक बार विष्णु लोक पर माता लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए हमला कर दिया था, लेकिन माता लक्ष्मी ने जालंधर को बताया कि वह उसका भाई है। माता लक्ष्मी का कहना था कि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, तो इस वजह से वह उसका भाई है। जालंधर के निशाने पर अब शिव शंकर और माता पार्वती आ गई और उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग लोक में हाहाकार मचा हुआ था।
सभी को पता था कि जब तक वृंदा का सतीत्व बरकरार है, जालंधर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे में देवताओं ने एकजुट होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने पहुंच गए। भगवान ने उनकी विनय सुनकर जालंधर का रूप बनाया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा जालंधर रूप में भगवान विष्णु को देखकर पहचान ना सकी और जालंधर समझकर उसके साथ पत्नी का व्यवहार करने लगी, लेकिन इससे उसका सतीत्व नष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप जालंधर मारा गया। लेकिन भगवान विष्णु की ये लीला ज्यादा देर तक छिपी ना रही। जब वृंदा को सच्चाई का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु शालिग्राम स्वरूप पत्थर हो गए। भगवान विष्णु जब शिला स्वरूप हो गए तो माता लक्ष्मी तथा अन्य देवता परेशान हो गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता दुखी होकर वृंदा के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने का आग्रह किया। देवताओं की विनय सुनकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दिया, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। वृंदा जलकर भस्म हो गई। जिस जगह वह सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। वृंदा ने विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। विष्णु भगवान बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। तो इस प्रकार से अब आप सभी सुनिए तुलसी माता के विवाह की एक और पौराणिक तीसरी कथा। ऐसा माना जाता है कि देवी प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की नींद के बाद जागते हैं। एक कथा के अनुसार जब विष्णु भगवान ने शंखासुर नामक राक्षस को मारा था और उस विशेष परिश्रम के कारण उस दिन सो गए थे, उसके बाद वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे थे, इसलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष विधान है। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है कि शंखासुर बहुत पराक्रमी दैत्य था। इस वजह से लंबे समय तक भगवान विष्णु का युद्ध उससे चलता रहा। अंततः घमासान युद्ध के बाद भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। इस युद्ध से भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए। तब वे थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर लौटकर सो गए। वे वहां 4 महीनों तक सोते रहे और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब सभी देवी देवताओं द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया गया। इसी वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत उपवास करने का विधान है। तो उम्मीद है आप सभी को माता तुलसी और भगवान शालिग्राम के विवाह की कथाएं पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो ये कथाएं आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय। तुलसी माता की सदा ही जय हो।